नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य और डिफरेंट जो जो डिफरेंट नगर थे, नगर नियोजन पद्धति क्या थी, किसमें क्या प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता, इस संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिली, प्राप्त हुई थी। इस वजह से इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तांबे की खोज हुई थी, तांबे और जिंक से मिला के कांसा बनाया गया था, और इस वजह से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। लोग शहरों में निवास करते थे, और सबसे पहले इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर। इस वजह से इसे हम लोग हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था, सिंधु सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, सबसे उत्तर में जो साइट थी वो कहाँ पर थी, कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है मांडा, वो सबसे उत्तर उत्तर साइड थी। और दक्षिण में कहाँ तक था, ये नर्मदा नदी तक था, नर्मदा नदी तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका विस्तार था। पश्चिम में सुतकांगेंडोर्स तक था, और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में मेरठ में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये इसका विस्तार था। अगर और हम लोग बात करते हैं अगर डायग्रामेटिकली, तो देखिए इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था, ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार, देखिए सुतकांगेंडोर है ये पार्ट कहाँ पे है, ये सबसे पश्चिमी साइड है। और फिर अगर हम लोग बात करें सबसे दक्षिण साइड में, तो ये नर्मदा नदी तक, ये नर्मदा नदी तक इसका विस्तार था। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये यमुना की सहायक नदी हिंडन थी, यहाँ पे है आलमगीरपुर मेरठ में, और जम्मू में जो है, जम्मू में क्या था, मांडा साइड थी। तो ये इसका टोटल एक्सटेंट जो था, इसकी बात हो गई। अब डिफरेंट डिफरेंट साइट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पे थी, गुजरात में, जो गुजरात स्टेट है भारत अपने देश का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट मिली हुई है। देखिए ये रंगपुरा है, रंगपुरा कहाँ पे है, गुजरात में है। ये लोथल, लोथल भगवा नदी किनारे, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। ये चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और ये कोटदीजी, कोटदीजी कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में है। और ये डिफरेंट डिफरेंट सभ्यताएं, डिफरेंट डिफरेंट नगर थे उस टाइम के। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। बनावली, बनावली कहाँ पे है, हिसार, राजस्थान सॉरी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। ये राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हो गया ये, और ये हड़प्पा सभ्यता हो गई। तो ये डिफरेंट जो है सभ्यताएं हैं, जो मतलब ये डायग्रामेटिकली आपको मैंने बताया, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो डिफरेंट नगर, जो डिफरेंट सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में जो अलग अलग जगह प्राप्त हुए हैं नगर, किसमें क्या मिला हुआ है, उसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन से आता जरूर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो का सिंधी मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का मतलब होता है। यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो एक बृहत स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया भी गया था, एक वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। पॉसिबली इसका यूज़ जो है ना रिचुअल बाथिंग में किया जाता था। अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरोहित की एक मूर्ति प्राप्त हुई यहाँ से। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। राजमुंद्रांक प्राप्त हुआ है। तीन मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा इत्यादि वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा में क्या क्या प्राप्त हुआ है, यह पहला स्थान है जहाँ से सिंधु सभ्यता के संबंध में हमें प्रथम जानकारी मिलती है। इस वजह से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं।
और इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा जगह थी, इसको अर्ध औद्योगिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? ताबूतों के समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान R37 टाइप के प्राप्त हुआ है, शंख पर शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है, पीतल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, मजदूरों के आवास प्राप्त हुए हैं, और कागज का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगले अगर साइट की बात करते हैं तो अगला कौन सा है? कालीबंगा। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये, कई बार इसमें एग्जाम में पूछता है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। यह सैंधव नगर राजस्थान कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान के घग्घर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के भवनों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था। अगर ये पूछता है किसके भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था तो वो कौन सा था? कालीबंगा। कालीबंगा के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था तथा यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ से और क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभाण एवं उत्खनन, मोहरे एवं मृदभाण यहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोथल। तो लोथल कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी किनारे ये स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, पत्तन नगर बोलते थे इसको। ये सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता था। लोथल में नगर का दो भागों में विभाजन होकर, लोथल जो था वो नगर का दो भागों विभाजन तो हुआ था, लेकिन रक्षा प्राचीर, एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। यहाँ से खिलौना नाव, मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्रण। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? खिलौना नाव, मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी का चित्रण, धान की भूसी के साक्ष प्राप्त हुए हैं, और मनका उद्योग का भी साक्ष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं चन्हु दड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। चन्हु दड़ो से क्या क्या मिला हुआ है हमें? तो चन्हु दड़ो खोज किस कब हुई थी? 1934 में NG मजूमदार ने तथा 1935 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था। इसकी खोज जो है 1934 में NG मजूमदार तथा 1935 में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था। यहाँ मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, बटखरे प्राप्त हुए हैं तथा कुछ उच्च कोट की मोहरें मिली हुई हैं। यह एक, देखिए इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह एकमात्र ऐसा सैंधव स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है। जो चन्हु दड़ो है ये दुर्गीकृत नहीं था, बाकी जितने भी मिले हुए हैं नगर वो सभी क्या थे? दुर्गीकृत थे। यहाँ से वक्राकार ईंटें, कंघा प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक प्राप्त हुई है, चार पहियों वाली गाड़ी प्राप्त हुई है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान प्राप्त हुए हैं तथा अलंकृत हाथी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग साइट की बात करते हैं वो कौन सी है? बनावली। बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? ये है कहाँ पे? बनावली हिसार, राजस्थान, सॉरी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और ये इसमें क्या, इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता ये थी कि इसमें हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन, इसमें कालीबंगा की तरह हड़प्पा से पहले की और हड़प्पन कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अग्निवेदिकाएं, लाजवर्धमनी, मनके, हल की आकृति, तिल सरसों का ढेर, अच्छे किस्म की जौ, नालियों की विशिष्टता, तांबे के वाणाग्र आदि कहाँ से? बनावली से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको बार बार देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू।